जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर वन ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आई हूं बेहद खास जानकारी। आज मैं बताने वाली हूं कर्क राशि वाले जातकों का फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये खास जानकारी भी दूंगी कि फरवरी के महीने में कब कौन सा फेस्टिवल होने वाला है। 7 फरवरी को दिन रविवार पड़ रहा है और इस दिन पड़ रही है षट्तिला एकादशी। 9 फरवरी को मंगलवार का दिन है और इस दिन पड़ रही है प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष के आधार पर। 10 फरवरी को बुधवार का दिन है और मासिक शिवरात्रि है इस दिन। 11 फरवरी को गुरुवार का दिन है और इस दिन माघ अमावस्या है। 12 फरवरी को शुक्रवार का दिन है और इस दिन कुंभ संक्रांति पड़ रही है। 16 फरवरी को मंगलवार का दिन है और इस दिन आप बसंत पंचमी का त्यौहार मना सकते हैं, सरस्वती पूजा भी इसे कहते हैं। 23 फरवरी को मंगलवार के दिन जया एकादशी पड़ रही है। 24 फरवरी बुधवार का दिन है, इस दिन प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष के आधार पर पड़ रहा है। और 27 फरवरी को शनिवार के दिन माघ पूर्णिमा का व्रत पड़ रहा है। तो ये है वो त्यौहार, वो चीज़ें जो आपको फरवरी के महीने में जाननी थी। अब चलिए आपको बता देते हैं कि फरवरी के महीने में कौन कौन से गोचर होने वाले हैं। तो 3 गोचर होने वाले हैं। पहला गोचर होगा 12 फरवरी को जो सूर्य का कुंभ राशि में है, 21 फरवरी को शुक्र का कुंभ राशि में और 22 फरवरी को मंगल का वृषभ राशि में गोचर होने वाला है। और इन सभी गोचर काल के दौरान आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। आपको बता दें चंद्रदेव के आधारित वाली कर्क राशि जो है वो अधिकांश कामों को दिमाग की जगह दिल से करना पसंद करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो अत्यंत भावुक होते हैं। उनके आसपास के लोगों की देखभाल करना, उनकी सहायता करना, उनके साथ समय बिताना उनकी कोमल भावना होती है। इसी वजह से वो अपने जो लोग हैं उनके आसपास के उनके बहुत प्रिय होते हैं, परिवार के प्रति उनका पूरा समर्पण होता है। लेकिन बात बात पर वो बहुत ज़्यादा चिंतामग्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपना स्वास्थ्य है अपनी तरक्की की राह में बाधा डाल देता है। फरवरी का महीना आपके लिए अनेकों ऐसे अवसर लेकर आने वाला है जब आपको स्वयं को परखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये जानना होगा कि आपको दिल से काम लेना है और कहाँ दिमाग से और त्वरित निर्णय लेना है। आपको सफलता मिलने के पूरे योग हैं। आपको राशि से सप्तम भाव में 4 ग्रहों की स्थिति होने के कारण मानसिक रूप से काफ़ी दबाव में रहने वाले हैं आप। अनेक कामों को करने का प्रेशर आप पर हावी रहेगा, जिसकी वजह से आपको किसी की सहायता की आवश्यकता भी पड़ सकती है। कोई ऐसा जो ऐसी स्थिति में आपका साथ दे कि आपका वो सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके, ताकि आप अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती से बाहर निकल जाएं। तो चलिए अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि आपके जीवन में हर लिहाज से फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो करियर के लिहाज से फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके सप्तम भाव में शनि, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और 4 फरवरी से वक्री बुध की युति होने पर व्यापार के संदर्भ में आने के अच्छे परिणाम हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए फरवरी का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। मंगल के दशम भाव में अपनी राशि में स्थिति 22 फरवरी तक रहेगी। इसकी वजह से आप अपने काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। आपको कंपनी की तरफ से कोई बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी और आपको पदोन्नति मिलने का भी योग रहेगा। आपके अधिकार और कार्यभार में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप में गजब का आत्मविश्वास भी रहेगा। 22 फरवरी के बाद मंगल का गोचर आपके एकादश में होगा और आप और भी तेजी से अपने काम को करने का काम शुरू कर देंगे। हालांकि राहु के साथ साथ मंगल की युति एकादश भाव में होने से आपको अपने बॉस से अच्छा व्यवहार बनाए रखने की में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको अपनी स्थितियों को नियंत्रण में रखना है। फरवरी का महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको इसका पूरा लाभ जरूर उठाना चाहिए। चलिए अब शिक्षा के लिहाज से जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों की बात करें तो फरवरी का महीना आपके लिए कई मायनों में परीक्षा लेने वाला साबित होने वाला है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि का केतु से आपकी रुचि अज्ञात और रहस्य से भरी हुई चीज़ों में ज्ञान को जानने की बढ़ने लगेगी। आप पूरा तात्विक महत्वों के विषय और भूगोल इतिहास को खंगालना शुरू कर देंगे। इन विषयों को पढ़ेंगे, इनमें रुचि बढ़ने लगेगी आपकी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं, उन्हें समय पर पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। केतु का पंचम भाव में उपस्थित होना आपको एकाग्रता में बाधा डालने का काम कर रहा है। इसी वजह से पढ़ाई में आपके जो है थोड़ी सी रुकावटें भी आ सकती हैं और आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो इस महीने की बात की जाए यानी कि फरवरी की, तो पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन आप अपने काम से इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। पारिवारिक गतिविधियों में थोड़ा सा
जो है आप उनसे दूर हो सकते हैं बिजी शेड्यूल की वजह से। आपके भाई बहनों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और आपकी ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। आपको निसंकोच उनकी सहायता भी करनी चाहिए क्योंकि आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है। माता पिता की बात कर ले तो आपके संबंध उनसे मजबूत होंगे। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इस वजह से उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। महीने के उत्तरार्ध में आपके पिताजी को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। कार्य क्षेत्र में उन्हें उत्तम धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेम जीवन की या फिर वैवाहिक जीवन की। तो यदि आपकी लव लाइफ पर नजर डाली जाए तो आपका फरवरी का महीना बहुत ज्यादा खास नहीं रहने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा इस महीने से आपको उम्मीदें नहीं पालनी है। आपको अपना जीवन बहुत सादगी से बिताना है। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होने और मंगल का प्रभाव होने के कारण आप और आपके प्रियतम के बीच किसी बात को लेकर के नाराजगी या झगड़ा हो सकता है। आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करें इस स्थिति को टाला जा सकता है, क्योंकि केतु की पंचम में उपस्थिति होना रिश्ते में टूटने का कारण भी बन सकती है और आपका ब्रेकअप हो सकता है, इसे योग बन रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं अगर 22 फरवरी के बाद की स्थितियों पर, तो मंगल का गोचर एकादश भाव में होगा। उसके बाद स्थिति को संभालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप और आपका प्रियतम दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रोधी मिजाज के हो जाएंगे, जिसके कारण आप दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें अनबन शुरू हो जाएगी, तल्खियाँ बढ़ने लग जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन के लिहाज से फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है अब ये जान लेते हैं। तो अनुकूल साबित होगा एकादश भाव में उपस्थिति राहु को कई तरीकों से धन की प्राप्ति आपको कराने वाली है। आपका दिमाग ऐसा चलेगा कि मानो आप पत्थर को भी सोना बना देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। महीने के शुरुआत के जो 4-5 दिन हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, क्योंकि इस समय जो है धन का निवेश करना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों में सुधार देखेंगे। 12 फरवरी से जब सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा तो वो समय विशेष रूप से धन हानि के योग बनाएगा, इसलिए आपको ध्यान से चलना है और अपना जो भी खर्च करना है, जो भी निवेश करना है, वो बहुत सोच समझ कर करना है। आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव फिलहाल आएगा, आपके पास धन प्रचुर मात्रा में आएगा, इसलिए आपको उसका सही तरह से निवेश करना है और करने से पहले 10 बार सोचना है, और अगर संभव हो तो आपके साथ जो भी आपके पिता या फिर पिता तुल्य कोई हो तो आप उनसे एक बार विचार विमर्श कर लें। उसके बाद अधिक से अधिक लाभ आप उठाएंगे अगर अच्छे से आप उस धन का निवेश करने के लिए आपका सही मार्गदर्शन हो जाता है तो। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है चलिए जान लेते हैं। आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर काफी सक्रिय हैं और मन का संबंध सीधे कहां से होता है, पेट से। इसलिए ज्यादा सोचने विचारने से पेट में दर्द, पेट के खराब होने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। सप्तम भाव में मकर राशि में ग्रहों का संयोजन होने से महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां घेर सकती हैं, इसलिए आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको कमर दर्द की भी शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बार बार हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन डॉक्टर की तरफ से जो भी आपको परामर्श दिए जा रहे हैं उनका पूरी तरीके से आप पालन करिए। पंचम भाव में केतु स्थित होने से आपको पेट से संबंधित थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मंगल का गोचर 22 फरवरी से आपके एकादश भाव में राहु के साथ होगा और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे, पांचवें और छठे भाव पर होगी। इस समय में आपको पैरों में दर्द, पेट में दर्द, किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए उसका ध्यान भी आप जरूर रखें। और हाँ, सावधानी जरूर बरतें। याद रहे, सावधानी ही सबसे बड़ा हमारे लिए बचाव होती है। तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि उपाय क्या करना है। तो उपाय के तौर पर अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और प्रत्येक सोमवार को यानी कि हर सोमवार को उन्हें जो है दूध अर्पित करिए। इससे आपका जो जीवन में कोई भी परेशानी फरवरी के महीने में अगर आने वाली है तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो आपको हमने अपने इस वीडियो में बताया कर्क राशि वाले जातकों का फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, अगर बेल आइकन नहीं अभी तक प्रेस किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि तमाम नोटिफिकेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आप सबके लिए मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता दी। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का
सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।